हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ रानी। मेरे चैनल में आप सभी का हृदयपूर्वक बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल सुबह का ही टाइम है और यानी कि 7 बज रहे होंगे। तो अभी अभी बच्चे गए हैं स्कूल और उनके लिए मैंने आलू के पराठे बनाए थे। आज टिफ़िन में मैंने आलू के पराठे ही रखे हैं। तो यहाँ पर थोड़े से और बचे हुए थे आलू और तो हमने सोचा अभी मैं बना के रख देती हूँ। अभी मयंक जाएगा स्कूल तो उसके लिए फिर से जो है मुझे दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। तो अभी हम बना के रख दिए थे और यहाँ पर जो है मैं दूध भी आ गया था तो मैं दूध को जो है भगोने में करके रख दूँगी, नहीं तो अगर कहीं थैली वैली कहीं गिर गई तो जो है फट जाएगी। इस वजह से मैं भगोने में करके रख दूँगी और गरम भी करने के लिए अभी अभी मैं रख दूँगी। फिर उसके बाद हम फिर जाएंगे नहाने के लिए। तो हमने सोचा पहले अभी जो है मैं आज दाल बनाऊँगी तो दाल को भी जो है मैं कुकर में रख देती हूँ बनने के लिए, तो वो भी बनती रहेगी। तब हम जो है नहाने के लिए चले जाएंगे, तब तक जो है फिर वो बन जाएगी। तो यहाँ पर मैंने दाल धो के पानी डाल दिया और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक, हींग और टमाटर ये सब डाल दिए और थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी थी। तो यहाँ पर बस मैंने ढक्कन लगा के रख दिया और चावल भी रख दिए थे बनने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी दाल बन गई थी और उसके बाद में फिर हम जो है अभी मैं छौंक देती हूँ इसको। तो यहाँ पर मैंने इसमें कुकर में तेल डाल दिया और थोड़ी सी इसमें मैंने हरी मिर्ची डाल दी है तलने के लिए। तो बस वो तल गई तो इनको जो है मैं निकाल के अब इसमें जो है मैं थोड़ी सी राई डाल देंगे। ये थोड़ी सी राई डाली मैंने यहाँ पर और उसके बाद में फिर हम थोड़ा सा इसमें जीरा डाल देंगे। तो राई और जीरा को जो अच्छे से इसको भून जाने देंगे यानी कि चटक जाए ये दोनों चीज़। उसके बाद में फिर हमने इसमें प्याज डाल दिया तो उसको भी जो है लाल होने तक भून लेंगे और उसके बाद में फिर हम थोड़े से इसमें मसाले डालेंगे। हल्दी तो खैर मैंने जब पहले थोड़ी सी डाल दी थी, फिर भी हमने थोड़ी सी यहाँ पर हल्दी अभी डाली है क्योंकि थोड़ा सा कलर और आ जाए इसलिए हमने फिर से दोबारा हल्दी डाल दी। तो यहाँ पर सारे मसाले मैंने डाल दिए थे, थोड़ा सा गर्म मसाला भी डाल दिया था बाद में, धनिया मिर्ची ये सब डाल के और पक गया था। उसके बाद में फिर हमने दाल डाल दी इसमें। दाल तो खैर हर कोई जानता ही बनाना, पर अपना अपना अलग तरीका होता बनाने का और मेरा ये तरीका है तो मैं इसी तरीके से दाल बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर थोड़ी सी धनिया मैं हरी डाल दूँगी बस। इसके बाद में फिर चावल तो खैर बन ही गए और रोटियाँ मेरे को थोड़ी सी बनानी तो बस वो बना के फिर मैं मिलूँगी आपसे। तो फ्रेंड्स, मैं मिल रही हूँ यहाँ पर, खाना वाना बना लिया खा के और उसके बाद में फिर मिल रही हूँ। तो बस यहाँ पर धो रही हूँ मैं बर्तन। और हस्बैंड का जो है अभी काम थोड़ा स्लो चल रहा है तो अभी वो नहीं जाते हैं, घर पर ही रहते हैं। आज सुबह के बर्तन थोड़े से हुए हैं तो जल्दी से जो है मैं धो के रख देती हूँ और तब तक जो है मैं का टाइम हो जाएगा स्कूल का, फिर जो है उसको तैयार करूँगी। और अभी थोड़ा सा टाइम है, तब तक जो है मैं यहाँ पर साफ सफाई कर लेती हूँ बर्तन धो के और उसके बाद जो है मैं तो फ्रेंड्स, ये वाली कढ़ाई मैंने अभी भी ली कुछ दिन पहले और ये कढ़ाई वैसे तो हमने इंडक्शन के लिए ली है लेकिन ये कढ़ाई जो है दोनों पे चल जाएगी यानी कि चूल्हे पे भी, गैस चूल्हे पे और इंडक्शन पे भी चल जाएगी। तो हमने अभी भी ये ली है
तो स्टील की है ये, बहुत अच्छी चलती है और सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है इसमें। तो इस बार हमने ये वाली कढ़ाई ली, और जर्मन की कढ़ाई तो है मेरे पास तो इसलिए हमने नहीं ली, और मेरे पास तो कम से कम जर्मन की 2-3 है और लोहे की कढ़ाई एक है। तो यहाँ पर जो है ये मेरा कुकर है, और कुकर भी मेरा काफ़ी पुराना हो गया है, कुकर जो है मेरा बहुत पुराना हो गया है, तो इस वजह से मैं सोच रही नया कुकर लेने के लिए। तो लेंगे कुछ दिनों बाद, अभी तो फ़िलहाल मैं कढ़ाई ली है, इसके बाद में हम लेंगे। तो थोड़े पैसे जैसे होंगे वैसे हम फिर ले लेंगे, पैसे इकट्ठे कर लेंगे तब हम फिर लेंगे। तो फिलहाल में अभी जो है चल रहा है, तो हमने सोचा अभी इसको चलाएंगे तो कुछ दिन बाद लेंगे हम। तो बस जो है मेरे बर्तन भी धुल गए यहाँ पर, और यहाँ पर जो है मैं सिंक को अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो सुबह जो है मैं साफ़ कर लेती हूँ तो दिन भर के लिए मुझे अच्छा लगता है, और मुझे जो है बिल्कुल भी गंदा अच्छा नहीं लगता है कहीं भी। तो सुबह ही सुबह हम पहले सबसे पहले मैं ये यानी कि अपनी किचन काउंटर को मैं पहले साफ़ कर लेती हूँ, और उसके बाद में मैं दूसरा काम मैं कुछ करती हूँ। तो बस जो है मेरा काम ये हो गया, और अभी चलती हूँ मैं, थोड़ा सा और काम कर लेती हूँ। मैं कभी थोड़ी देर में जाएगा स्कूल, तो हमने सोचा पहले मैं काम कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है मेरी ये सिलाई मशीन है, और सिलाई मशीन पे जो है मैं कपड़ा मार देती हूँ, धूल मिट्टी हो जाती है। तो बस यहाँ पर बच्चों के जो है पेन वगैरह ये सब बिखरे पड़े थे इस पर, तो जो है मैंने सबको उठा के मैं रख देती हूँ। खाली पेन है वो रखते रहते हैं, वो फेंकते तो नहीं है, तो मैंने वो रख दी है अभी फ़िलहाल में। जब वो कुछ करेंगे तो डिब्बा मतलब कि बॉक्स बनाएंगे तो उसमें फिर रखेंगे। तो हमने जो है यहाँ पर कपड़ा मार देती हूँ मैं सब दूर, तो डिब्बे के जो है ढक्कन वक्कन उन पे जो है धूल मिट्टी हो जाती है, तो उन पे जो है मैंने कपड़ा मार दिया। बस थोड़ा सा अब जो है मैं टेबल साफ़ कर देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते होंगे मेरे बच्चे यहाँ पर ही पढ़ाई कर रहे हैं, अभी पूरी टेबल जो है मेरी गिर जाती है, कॉपी किताबों से भर जाती, तो इसीलिए जो अभी खाली थी तो हमने सोचा पहले इसको मैं साफ़ कर देती हूँ, और बच्चे आ जाएंगे फिर से जो टेबल फिर से गिर जाएगी, इसीलिए हमने सुबह ही साफ कर देती हूँ बिल्कुल। तो ये है जो मैं की बुक है यानी कि नोटबुक, और उसका ये कंपास है, मैं इसके अभी से जो है मैं चेक करके रख देती हूँ सब, पेंसिल वगैरह सब कुछ रखा हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर जो है अपना वो खुद ही सब कुछ रखता है ढंग से, तो फिर भी जो है मैं सुबह मैं चेक कर लेती हूँ है कि नहीं है, तो इसीलिए जो हमने सब चेक करके रख दिया, और उसके बाद में फिर हमने टिफिन वगैरह ये सब लगा। तो अभी जो है मैंक भी आ गया था कपड़े पहन के, तो यहाँ पर जो है मैं उसको तेल लगा दूँगी और मांग निकाल दूँगी। बस खुद से जो है तैयार हो जाता है, मांग आंग नहीं निकाल पाता है, तो बस वो मैं निकाल देती हूँ, वैसे तो वो खुद ही तैयार हो जाता है। तो बस जो है ये तैयार हो गया, तो उसके बाद में फिर हम मिलेंगे थोड़ी सी देर में। मैं उनको तैयार करके स्कूल भेज दिया था, फिर उसके बाद में मैंने दिन में जो है ब्लॉग नहीं बनाया, फिर हमने जो है शाम के टाइम ब्लॉग बनाया था, और शाम को जो है यानी कि अभी बज रहे होंगे शायद तो 5:15 बज गए होंगे। तो बस यहाँ पर जो है मैं सब्जियाँ को काट रही हूँ, तो आज जो है मैं सब्जी अरबी की सब्जी बनाऊँगी, तो यहाँ पर मैं बैठी थी तो मैं अरबी की सब्जी जो है मैं काट लेती हूँ। और बच्चे अभी अभी गए बाहर खेलने के लिए, तो हस्बैंड भी हैं बाहर, तो इस वजह से मैं यहाँ पर अभी बैठ के काट रही हूँ। और बच्चे जो है बाहर जाते हैं तो उनके साथ मुझे भी जाना पड़ता है बाहर, अकेले बच्चों को मैं नहीं छोड़ती हूँ। अभी तो खैर हस्बैंड का काम कम चल रहा है तो घर पर ही रह रहे हैं, तो बच्चों को जो है थोड़ा बहुत देखभाल वो कर लेते हैं, बाहर जाते हैं घूमने के लिए तो वो भी उन्हीं के साथ में ही रहते हैं। और यहाँ पर जो तो फ्रेंड्स मैं वीडियो का एंड करती हूँ, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करिएगा। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में।